इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें आई हैं ग्वालियर के JAH सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से। यहाँ के कोविड वार्ड में सीलिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग भी ऐसी कि कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो गया। उस वक्त मौके पर तैनात डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया कि डॉक्टरों को यूं ही नहीं भगवान कहा जाता। मौके पर तैनात डॉक्टर सुरेश और डॉक्टर फराज आदिल ने अपने स्टाफ के साथ साहस का परिचय देते हुए आग और धुएं से 9 मरीजों को बचाया। खुद अग्निशामक से आग भी बुझाई। अफ्टरनून शिफ्ट में जब हमारी ड्यूटी शुरू हुई थी तो उस वक्त जब हम लोग चेंजिंग रूम में अपनी किट पहन ही रहे थे, उस वक्त एक हल्ला और शोर की आवाज़ आई कि ऊपर ICU में आग लग गई है। तो उस वक्त हम लोग वहाँ पे आनंद फानंद में बिना किट पहने हुए, स्पेशली मैं तो बिना किट पहने हुए डायरेक्ट ऊपर ICU में गए थे। वहाँ पहुँच के हमने देखा कि वहाँ पे एक बेड जल रहा था और बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। पेशेंट ज़मीन पे नीचे गिर गया था और अफरा तफरी का माहौल था। एग्जैक्ट आग का क्या कॉज था ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा था तो सिर्फ आग लगी हुई थी, पर बहुत अफरा तफरी का माहौल था। मौके पे कुछ समझ में आया नहीं रहा था उस वक्त, तो मैं और मेरे सहपाठी डॉक्टर जाडी सुरेश और अन्य जो कर्मचारी ICU के मौजूद थे, उन लोगों ने मिल के फौरन सबसे पहला डिसीज़न ये लिया कि आग बुझाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आग हम लोगों ने होस पाइप जो आग के फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम रहता है वो, प्लस फायर एक्सटिंग्विशर जितने भी थे वो सब वर्किंग थे वहाँ के, तो उनको यूज़ करते हुए वहाँ ऑन स्पॉट आग बुझाई, जो कि जैसा कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियोज़ में देख सकते हो। फिर आग बुझाने के बाद वहाँ इतना ज़्यादा टॉक्सिक गैस का एक्यूमुलेशन हो चुका था कि वहाँ की विजिबिलिटी भी 10% ही बची थी। तो वहाँ का जो स्टाफ भी था, वार्ड बॉय थे, और हम लोग ने मिलके मौके पे सही डिसीजन ऑन स्पॉट लिए और वहाँ पे जो जितनी भी विंडोज़ थी उनको खोला ताकि जितनी भी गैस है वो पहले इवैक्यूएट हो जाए, विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़े। और जितने भी पेशेंट थे, जो पेशेंट बेड से नीचे गिर गए थे या जो पेशेंट बेड पे थे, उन सभी को ऑन स्पॉट वहाँ से HDU में शिफ्ट कर दिया गया नीचे। आपको बता दें कि आग मरीजों के बिस्तर तक पहुँच गई थी। डॉक्टर और स्टाफ की सूझबूझ से कोशिश काफी की गई। हालांकि एक मरीज की जान जड़ू चली गई, लेकिन डॉक्टरों की ग्वालियर सहित प्रदेश भर में इस कोशिश की तारीफ हो रही है। बहरहाल बचाए गए मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट MP तक।